हम शिवांगी तिवारी आप सभी जनन के बीच में बुंदेलखंड ट्रिपल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े हैं। उपचुनाव को घमासान, भांडे ने 41 साल बाद दोहराव तो विधायक, 17 साल बाद फिर वही स्थिति। मुरैना में को लगातार दो बार नहीं बनो विधायक। भांडेर विधानसभा क्षेत्र में 1962 से 2018 तक यानी 56 साल में कुल 13 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। इन 13 चुनाव में भांडेर के मतदाताओं ने 12 लोगों का अपना जनप्रतिनिधि चुनो। 1962 से 1998 तक भय 9 विधानसभा चुनाव में पार्टी का तो दोबारा अवसर दोगो, लेकिन चेहरन का नहीं दो। शायद जाय बजा रही है जैसे पार्टी भी हर बार 9 चेहरा मैदान में उतारत रही। 41 साल बाद 2003 के चुनाव में पहली बार मतदाता के सामने पूर्व विधायकन का चुनो, ताकि सभी प्रमुख पार्टियों ने पूर्व विधायकन का मैदान में उतारो। इस चुनाव में 4 पूर्व विधायक मैदान में थे। इस बार उपचुनाव में भी ऐसी स्थिति बन रही है कि इस बार 3 पूर्व विधायक मैदान में। 2018 में कांग्रेस से चुनी गई रक्षा सिरोनिया भाजपा से, और 1998 में बसपा से चुने गए फूल सिंह बरैया कांग्रेस से। सिवड़ा से 3 बार विधायक सहित प्रदेश के पूर्व कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रहे महेंद्र बौद्ध बसपा से मैदान में। बौद्ध ने 2018 के चुनाव में तैसे अपना भाग्य अजमाओ तो, लेकिन हार मिली। अब इतने की मतदाता अपना इतिहास बरकरार रख पा रहे या फिर तोड़ रहे, जो 10 नवंबर का मतगणना के बाद तय। ग्वालियर पूर्व सबसे बड़ी सीट पे इस समय दिलचस्प मुकाबला है। इतने दल बदल मुद्दा नहीं है, कई की दोनों के चेहरे ने दल बदल। इस चुनाव में सबसे अधिक 3.12 लाख मतदाता वाली ग्वालियर पूर्व विधानसभा सीट से इस बार भी 2 प्रमुख चेहरा आमने सामने हैं जो पिछले चुनाव। फर्क सिर्फ इतना है कि पिछली बार मुन्नालाल गोयल कांग्रेस से थे और सतीश सिकरवार भाजपा से। अब सतीश सिकरवार कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और मुन्नालाल गोयल को नाम भाजपा से तय मानो जा रहा है। दल बदल को मुद्दा को नहीं उठा सके, क्योंकि सतीश के पिता गजराज सिंह सिकरवार और छोटे भाई सत्यपाल नीटू सिकरवार सुमावली से भाजपा विधायक रह चुके। पिछले विधानसभा चुनाव में मुन्नालाल गोयल ने सतीश सिकरवार का 17,819 वोटन से हराओ दो। इस सीट से 2003 में कांग्रेस के रमेश अग्रवाल जीते थे। इसके बाद 2008 में अनूप मिश्रा और 2013 में माया सिंह ने सीट जीत के ये भाजपा के खाता में डालो। इस विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण बहुत मायने रखते हैं। इतने पिछले वर्ग के लगभग 1 लाख वोटर हैं और इसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लगभग 80,000 वोटर। खादी के व्यापार पे कोरोना बेअसर। कनॉट प्लेस दिल्ली के खादी इंडिया आउटलेट ने गांधी जयंती के मौका पे 1.2 करोड़ रुपया कमाया। गांधी जयंती के मौका पे आप लोगों की दिलन पे खादी के असर ने कोरोना वायरस के डर का बेअसर कर दो। पिछले साल की तरह इस साल भी दिल्ली के कनॉट प्लेस में स्थित खादी इंडिया आउटलेट की बिक्री 1 करोड़ रुपया के स्तर के पार। शुक्रवार 2 अक्टूबर का ये आउटलेट की बिक्री जो है 1,02,19,496 रुपया रही। 42वीं बैठक जीएसटी काउंसिल की बैठक आज है। रेवेन्यू शॉर्टफॉल की भरपाई का लेके हंगामा कर सकत गैर बीजेपी राज्य। गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की आज यानी सोमवार का 42वीं बैठक है, और ये बैठक में चालू वित्त वर्ष जो है जीएसटी रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर चर्चा। मानो जा रहा है कि गैर बीजेपी जो राज्य हैं कंपनसेशन के मुद्दा पे हंगामा कर सके। चालू वित्त वर्ष में 2.35 लाख करोड़ रुपया को रेवेन्यू शॉर्टफॉल। 27 अगस्त का भई काउंसिल की बैठक में चालू वित्त वर्ष में जीएसटी रेवेन्यू में 2.35 लाख करोड़ रुपया के शॉर्टफॉल को अनुमान जताओगे। इसमें 97,000 करोड़ रुपया जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन और 1.38 लाख करोड़ रुपया राज्य के रेवेन्यू के शामिल है। ई रेवेन्यू शॉर्टफॉल की भरपाई के लाने केंद्र ने 2 विकल्प दिए थे। पहले विकल्प के तहत राज्य आरबीआई से विशेष विंडो के तहत 97,000 करोड़ रुपया उधार ले सका थे। दूसरे विकल्प के तहत केंद्र 2.35 लाख करोड़ रुपया बाजार से उधार लेके राज्य खा दे। काम पे वापसी। बिग बॉस 14 के शुरू होने के बाद सलमान खान पहुंचे राधे के सेट पे। 6.5 महीना बाद शूटिंग करवे पहुंचे तो उन्हें जो फीलिंग है वो बहुत गुड आई, उन्हें ऐसा बताओ। सलमान खान ने लॉकडाउन खत्म होने के बाद राधे की शूटिंग शुरू कर दी है, इसकी जानकारी उन्हें सोशल मीडिया पे शेयर करी। सलमान खान ने सेट से अपनी फोटो भी शेयर करी है जिसमें वे ब्लैक कलर की जैकेट में नजर आ रहे। सलमान खान ने पोस्ट के संगे लिखो है कि 6.5 महीना बाद वापसी करके फील गुड हो रहा है, और राधे पहली ईद पर रिलीज होने वाली फिल्म थी। अब 19 मार्च से लगे लॉकडाउन के बाद काम पूरा नहीं।
कोरोना की चपेट में तमन्ना पेरेंट्स के बाद अब तमन्ना भाटिया भी कोरोना पॉजिटिव। वेब सीरीज की शूटिंग के बाद भाई संक्रमण और हैदराबाद के हॉस्पिटल में एडमिट। बाहुबली फेम एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया कोरोना संक्रमित हो गई हैं। दो दिन पहले उन्हें खुद में कोरोना लक्षण जो वायरस के हैं हल्के लक्षण नजर आ रहे थे, इसके बाद उन्हें अपना टेस्ट करवाओ जो कि पॉजिटिव आओ। तमन्ना हैदराबाद की एक वेब सीरीज की शूटिंग कर रही थी कि पहले पेरेंट्स के कोरोना संक्रमित होने पर भी आइसोलेशन में रही थी। ऐसे ही कछु खास और फटाफट खबरन के लाने बुंदेलखंड चुपल से शिवांगी तिवारी के साथ लगातार जुड़े रहे। जय राम जी।